रिश्ता मांगने वाले अली और मांगा जा रहा है फातिमा का, नबियों के बाद सबसे अजीम जोड़ी अली और फातिमा, तो आसमान पे तय हो चुका है। अली आकर बैठ जाते हैं, शर्म की वजह से बोल नहीं सकते, आपको तो पता है क्यों आया। अली कैसे आए? चुप। फरमाया फातिमा के रिश्ते के लिए आए होगे? तो हमने कहा इंशाल्लाह। पहले एक हदीस सुन, मेरे नबी ने कहा मैंने जहां शादी की, मैंने जहां बेटी दी, पहले आसमान से वही आई फिर मैंने कदम उठाया। इसका मतलब है आसमान से वही आ चुकी है, क्योंकि पहले अबू बकर ने आकर रिश्ता मांगा, आपने इनकार कर दिया। हजरत उमर ने आकर रिश्ता मांगा, आपने इनकार कर दिया। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हजरत अली से कहा अली तू जा मांग, तुझे नहीं इनकार होगा। हजरत अली ने कहा मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरा तो घर भी अपना नहीं, मुझे दे देंगे? हाँ सर तुझे जरूर देंगे। तो उनको भेजकर ना खुद बाहर सारे खड़े हो गए। तो आपने कहा अच्छा इंशाअल्लाह, और ये कहकर उठ गए। हज़रत अली परेशान होकर बाहर निकले तो पूछा अब्दुर्रहमान क्या हुआ? कहा इनकार हो गया। उन्होंने कहा कैसे? कहा बस कुछ नहीं कहा। अब कुछ तो कहा? कहा इंशाअल्लाह कहा। तो कहा तो बस हो गया। कहा वो कैसे? कहा नबी का इंशाअल्लाह हाँ होता है, ये हाँ है अली हाँ है। अच्छा अब ये इंशाअल्लाह क्यों कहा है जबकि आसमान से वही आ चुकी, जिब्रील पैगाम ला चुके, अब ये इंशाअल्लाह क्यों कहा है? एक काम करना बाकी है। अब घर गए, बेटी फातिमा अली का रिश्ता आया है, कर दूं? ओह